हेलो दोस्तों, मैं आरती यादव स्वागत करती हूं आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में लाई हूं खास उन महिलाओं के लिए जिनकी प्रेगनेंसी चल रही है। किसी भी महिला के लिए ये नहीं कहा जा सकता है कि उन्हें कब लेबर पेन शुरू होगा, लेकिन आपको ये समझना चाहिए लेबर पेन अचानक से शुरू नहीं होता है, बल्कि इससे कुछ घंटे पहले से ही शुरुआती संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं, जो ज़्यादातर महिलाएं इन संकेतों को नज़रअंदाज कर देती हैं, जिससे उन्हें पता ही नहीं चल पाता है कि उन्हें लेबर पेन शुरू होने वाला है। अगर आप अपने बॉडी से मिल रहे संकेतों पर ध्यान दें तो आप भी समझ जाएंगे कि अब आपकी डिलीवरी होने में बस कुछ ही घंटे बचे हैं। तो चलिए जानते हैं कि कुछ ऐसे संकेतों के बारे में जो लेबर पेन शुरू होने से 24 घंटे से 48 घंटे पहले मिलते हैं। वैसे तो ये संकेत कुछ दिनों पहले से ही आपके शरीर में दिखने शुरू हो जाते हैं। कई बार आपको बार बार ये लक्षण दिखाई दे सकते हैं। डिलीवरी होने से कुछ हफ्ते पहले से ही आपके शरीर में ऐसे लक्षण दिखने शुरू होते हैं। स्वस्थ महिलाओं को आसानी से डिलीवरी हो सकती है, साथ ही एक प्रेग्नेंट महिला की डिलीवरी अच्छे से होगी या नहीं, इसके भी लक्षण डिलीवरी के कुछ समय पहले से ही महिला के शरीर में दिखाई देते हैं। इसलिए आइए जानते हैं प्रेगनेंसी के आखिरी महीने में दिखने वाले कुछ लक्षण के बारे में, जिससे डिलीवरी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो सबसे पहला डिलीवरी का लक्षण है कि इस समय बच्चे का सिर गर्भ में नीचे प्राइवेट पार्ट की ओर आ जाता है। जब बच्चा इस पोजीशन में शिफ्ट होगा तो आपको पता चल जाएगा इससे फेफड़ों पर पड़ रहा थोड़ा दबाव कम होता है और आपके पैल्विक एरिया पर भार पड़ जाता है, और शिशु का सिर नीचे प्राइवेट पार्ट की ओर आने की वजह से पेशाब करने की इच्छा भी बढ़ जाती है। अब आपको पहले से भी ज़्यादा बार बार पेशाब करने जाना पड़ सकता है। इसके अलावा लेबर शुरू होने पर आपको बाथरूम जाने की ज़रूरत भी लग सकती है, क्योंकि इस समय आपको लेबर पेन भी शुरू हो रहा होता है, इसीलिए आप इन दोनों के बीच के दर्द को समझ नहीं पाती हैं। अगर आप इस समय आप बाथरूम इस्तेमाल कर लेती हैं तो पैल्विक हिस्से में शिशु के लिए जगह बन जाती है, इसीलिए लेबर पेन शुरू होने पर महिला को खाली पेट रहने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा रिलैक्सिन हार्मोन के असर से भी जब पैल्विक और लिगामेंट के हिस्से मुलायम महसूस होने लगते हैं, आपको डिलीवरी का लक्षण दिखने लग जाता है, और डिलीवरी होने से पहले आपके शरीर में रिलैक्सेशन हार्मोन के कारण लिगामेंट और पैल्विक के हिस्से में मुलायम महसूस होने लगता है, और प्रेगनेंसी के दौरान आपको सर्विक्स में म्यूकस प्लग बनने लगता है। ये एक मोटा चिपचिपा प्लग होता है जो सर्विक्स में नमी बनाए रखने और उसे बैक्टीरिया से बचाने के लिए बनता है, और जब डिलीवरी डेट आने पर सर्विक्स चौड़ी होने लगती है, इस प्रोसेस में म्यूकस प्लग ढीला हो जाता है और अपने आप निकल जाता है। ये बेरंग, भूरा, गुलाबी या हल्के से खून के धब्बे का हो सकता है। म्यूकस प्लग निकलने के कुछ दिन या हफ्ते बाद ही आपकी डिलीवरी हो जाती है। साथ ही गर्भ में शिशु का सिर नीचे की ओर आने की वजह से कमर दर्द बढ़ने लगता है, साथ ही लीवर पेन के दौरान शिशु के सिर की वजह से माँ के डेलबॉन पर भी दबाव पड़ता है, इसके कारण ही बहुत तेज पीठ दर्द होता है, और डिलीवरी के कुछ समय या दिन पहले पेट में कॉन्ट्रैक्शन उठनी भी शुरू हो जाती है। इसका मतलब है कि जन्म नालिका पर शिशु से दबाव पड़ना शुरू हो गया है। इस समय आपको यूट्रस में ऊपर से लेकर बीच में हल्की कॉन्ट्रैक्शन महसूस होने लगती है, और प्रेगनेंसी के दौरान गर्भ में आपका बच्चा एमनियोटिक फ्लूइड की एक थैली से ढका होता है। ये शिशु को सुरक्षित रखने के लिए होती है। लेबर पेन की शुरुआत में ही ये थैली फट जाती है और इसका रंग बेरंग दिखने लगता है, पानी बाहर आ जाता है, जिसका मतलब है कि आपको डिलीवरी होने वाली है। इसलिए पानी की थैली फटने के तुरंत बाद ही आपको हॉस्पिटल चले जाना चाहिए। इसके अलावा आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल ही हो, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी की तुलना में सिजेरियन डिलीवरी के कारण महिलाओं का शरीर ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। इस डिलीवरी में महिलाओं के शरीर में अधिक मात्रा में ब्लड निकलता है, जिसके कारण कमजोरी हो जाती है। कई बार सिजेरियन डिलीवरी के दौरान हुई दिक्कत की वजह से महिला को लंबे समय तक इससे साइड इफेक्ट से जूझना पड़ता है। सिजेरियन डिलीवरी में पेट की मसल्स को काटना भी शामिल होता है, जिसके कारण खून अधिक मात्रा में निकलता है। पिछले कुछ सालों में नॉर्मल डिलीवरी की तुलना में सिजेरियन डिलीवरी की संख्या बढ़ी है,
ये डिलीवरी महिला और बच्चों दोनों के सेहत पर असर डालती है। फ्रेंड्स, दोनों ही डिलीवरी अपनी जगह सही हैं, बस आपकी कंडीशन को देखते हुए ये अटेम्प्ट किया जाता है। अब अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी समय पर मिलती रहे। अब अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम आपके सभी सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें और हमारा वीडियो देखते रहें।